वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू तुबाज लाइफस्टाइल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मेरी बिज़ी रूटीन है, तो मैं सोचा था क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरे बेड का ये हशर हो रहा है, क्योंकि आज सुबह में क्या हुआ कि चाय गिर गई थी बेड पर जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने अभी एक दो दिन पहले बेडशीट चेंज करी थी और ये हो गया, तो बेडशीट चेंज करूँगी। और इसके अलावा ये टाइपर और वाइप्स वगैरह रखी मेरी बेटी के, मैंने बेडशीट निकाल के रखी हुई है, सारी चीज़ें सेटिंग से लगानी है। और ये यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, ये धो के डाले थे सूख गए, तो ये भी रखने हैं अलमारी में। तो ये सारे काम है, सबसे पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ। सबसे पहले वाइप्स और पैम्पर्स वगैरह रख देती हूँ, अब इसके बाद वाइप्स वगैरह रख दिए तो मैं अब सोच रही हूँ अपने कपड़े इसको फोल्ड करके अलमारी में रख दूँ। इसके अलावा जो जो चीज़ें होती जा रही हैं तो उनमें देखते जा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि सारा फॉर्म वगैरह पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था मेरे क्लोज में से फॉर्म निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर से मुझे पूरे रूम के झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। और चलिए कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बेडशीट लगा ली है मैंने और बस साफ़ है रूम, अब बस नीचे से झाड़ू लगानी है मुझे। ये आप लोग ये देख सकते हो कितना ज़्यादा पूरा मैस हो गया, जगह जगह फैला हुआ है फॉर्म वगैरह, तो बस इसको साफ़ करना है। इसके बाद मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग देख सकते हैं पूरा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो गया है। और जो मैं इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को बोल रही थी वो ये है कि मेरे दो डिनर सेट रखे हुए हैं और अभी तक मैंने उनको डिवाइडर में नहीं लगाया है, तो बस ये काम है मुझे आज, मैं करके रहूँगी। आज बहुत दिनों से पेंडिंग हो रहा है तो आज ये काम भी कर लेती हूँ मैं। तो आज फ्राइडे का दिन है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे यहाँ अंडे पराठे का नाश्ता होता है, तो अंडे पराठे बनाए थे आज मैंने। और इसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ करके अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो अभी जस्ट मैं सारे काम वगैरह करके लेटी हूँ और अपनी बेटी को मैंने सुलाया है कि वह सोने के लिए रो रही थी और मैं कामों में लगी हुई थी। आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा काम भर गया था आज, क्योंकि चाय गिर गई थी बैठ के और सारी चीज़ें। तो वैसे तो फ्राइडे का दिन है, आप लोगों को पता है फ्राइडे का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ होता है, रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है फ्राइडे को, क्योंकि नाश्ता वगैरह फिर उसके बाद नमाज़ पढ़। तो अब मैं कलेजी भरने के लिए रख दिए मैंने, आप लोग देख सकते हो उसमें उबाल आ जाएगी, तो मैं इसको हल्की आँच कर दूँगी। और अब मैं रोटी बना रही हूँ, तो चलिए फिर जल्दी से रोटी बना देती हूँ। कलेजी उबाली थी उसके बाद कलेजी बनेगी, पहले मैं जल्दी से रोटियाँ बना देती हूँ, तब वो भूली हैं ज़्यादा काम नहीं होगा उसमें। तो रोटियाँ बन चुकी हैं, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है। और अभी फिर से मैंने कलेजी रख दी है हल्के से आँच पर, क्योंकि उस टाइम जब मैं रोटी बनाती थी मैंने उतार दी थी। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और इसके बाद मम्मी कलेजी बना रही हैं। तो सबसे पहले ऑयल में कलेजी डाल के इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं ऑयल के अंदर ही, और फिर इसके बाद इसमें टमाटर, कुटी मिर्चें, धनिया पाउडर और नमक ये सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छे से भून लेना है। इसके बाद लास्ट में इसमें प्याज डालेंगे, कच्ची पक्की प्याज रहेगी, और फिर इसको बस हल्की आँच पर रख देंगे, तो ये रेडी हो जाएगी, बहुत मज़े की बनती है वाली कलेजी। अब इसके बाद अपने हस्बैंड की शर्ट प्रेस कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।